Good morning, children. This is our EBS class. Children, today we are going to complete second chapter. So this is page number 24. Complete the family tree by filling the boxes. Filling in the boxes. Take help of the given words. You can see the words, children. Uncle, mother, brother, sister, cousin, brother, sister, grandmother. Now, fill the boxes. Grandfather, grandmother. Write your grandmother. Okay. Father, mother. Uncle, aunt. Here, write uncle. And then, brother, sister, and you. So write here me. Brother, sister, me. Okay. And here, cousin, sister, cousin, brother. Write here, cousin, brother. So complete the boxes. I'm repeating, grandfather, grandmother, यहाँ पे grandmother लिखिए, यहाँ पे father, mother लिखिए, और यहाँ पे aunt है, तो यहाँ पे uncle लिखिए, और brother, sister, और या तो अगर आप boy है, तो यहाँ पे आप me लिखिए, और अगर आप girl है, तो आप यहाँ पे me लिखिए, यहाँ पे brother लिखिए, okay? ऐसे करके, और यहाँ पे cousin, sister, cousin, brother. ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिए. और फैमिली ट्री आप लोग स्क्रैप बुक में एक फैमिली ट्री बनाइए. उसमें अगर आप आपके पास फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है तो वो पेस्ट करके बनाइए, नहीं तो सिंपली उनका नाम लिख के एक फैमिली ट्री बनाइए ऐसे ही. ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास फोटोग्राफ है तो वो लिखिए, यहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और नीचे लिखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. ठीक है, और उसको ना एक ट्री की तरह शेप देने की ट्राई कीजिए. ठीक है, और फिर ऐसे करके यहाँ पे फादर, मदर, उनका, अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो आप सिर्फ नाम लिख के ये फैमिली ट्री स्क्रैप बुक में बनाइए, टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. नंबर ए, राइट द डिफरेंट रोल्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. फॉर एग्जांपल, योर फादर गोज टू ऑफिस. चिल्ड्रन, first write members of your family, how many members are there in your family, and then their role. Okay, so you can write like this: my father goes to office. If your mother goes to office, then write my father goes to office, my mother goes to office. And you can also write my mother cooks for the family members. Then if you have grandfather, grandmother with you, then write my grandfather do this, my grandmother do this, my brother do this. Okay, and you can write I help my mother in kitchen. In this way, write different roles of your family members including you. Okay, aap aapke family members ke role likhiye, कौन क्या क्या काम करते हैं, फैमिली मेंबर्स कौन क्या करते हैं वो लिखिए, और आप भी क्या क्या करते हैं अपने फैमिली के लिए, क्या हेल्प करते हैं फादर मदर का, वो भी लिखिए. ये काम भी आप लोग स्क्रैप बुक में कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट दिस इन योर ईबीएस कॉपी आल्सो. नेक्स्ट नंबर बी, If your brother, sister got into the bad habit of lying, what would you do to help him or in getting rid of it? तो इसमें आपको पूछा जा रहा है. So children, this question asking you,
If your brother sister got into the bad habit of lying, what would you do to help him or in getting rid of it? अगर आपके ब्रदर या फिर सिस्टर को ये बैड हैबिट है झूठ बोलने का, लाइंग यानी झूठ बोलने का बैड हैबिट है, झूठ बोलना कभी भी सही बात नहीं है, तो आप उनका कैसे हेल्प कर सकते इससे बाहर निकलने के लिए? तो देखो बच्चों, ये जो बैड हैबिट है इससे बाहर तो निकलना ही है, तो इसमें आप उनका कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपके फादर मदर, आपके पेरेंट्स या फिर आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कभी भी झूठ तो नहीं बोलना है उनसे झूठ नहीं बोलना है। एंड लाइंग इज़ नॉट गुड हैबिट, लाइंग इज़ वेरी बैड थिंग, सो यू शुड गेट रिड ऑफ इट, यू शुड गेट रिड ऑफ इट। ओके, तो आप सोचिए आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड ऑन अ चार्ट पेपर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम। हाँ, आपके फ्रेंड का पिक्चर पेस्ट दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, सो यू कैन ओनली राइट अबाउट हिम और हर 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन राइट दिस। ओके, तो आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपके अगर आपके पास है तो आप ये बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर लगा के उनके बारे में लिख सकते हैं स्क्रैप बुक में, अदरवाइज सिर्फ आप उनके बारे में लिखिए, क्योंकि अभी तो पिक्चर कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ आप उनके बारे में 4 to 5 सेंटेंसेस लिखिए आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताए हैं कि फैमिली मेम्बर्स के रोल लिखिएगा, और ब्रदर सिस्टर को अगर ये बैड हैबिट है लाइंग के, तो उनको आप कुछ सजेशन दीजिए, आप एक या दो सेंटेंस इसके बारे में लिखिए। या आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइंग इज़ नॉट गुड थिंग सो यू शुड गेट रिड ऑफ इट, और आप ये भी लिख सकते हैं, इफ़ यू लाई नोबडी विल बिलीव यू। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कोई आपके ऊपर भी तो नहीं भरोसा करेंगे ना, क्योंकि कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा ही कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ बोलना सही नहीं है। तो ऐसे करके ट्राई टू राइट 1 or 2 सेंटेंसेस। नेक्स्ट पेज, दिस इज़ पेज नंबर 25, रीड अबाउट द फैमिली ऑफ सुशील एंड शोभा एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। सुशील एंड शोभा आर मैरिड, दे हैव अ सन नेम्ड जगत, जगत इज मैरिड टू लता, दे हैव 2 चिल्ड्रेन नेम्ड यश एंड नेहा, यश इज देयर सन एंड नेहा इज देयर डॉटर। नाउ फिल द टेबल, जगत्स पेरेंट, सो सुशील एंड शोभा आर मैरिड, दे हैव सन नेम्ड जगत। तो देखो यहाँ पे पहले ही आपको क्या पता चल रहा है, सुशील और शोभा इनके जो सन है उनका नाम क्या है, जगत। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जगत के पेरेंट्स के नाम, तो जगत के पेरेंट्स के नाम क्या होंगे, यहाँ पे आप लिखिए सुशील और यहाँ पे लिखिए शोभा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, हाँ, सुशील एंड शोभा BH, देन नेहाज पेरेंट्स, जगत इज मैरिड टू लता, दे हैव 2 चिल्ड्रेन नेम यश एंड नेहा। तो नेहा के पेरेंट्स कौन हुए, नेहा के पेरेंट्स हुए जगत एंड लता, JAGAT, जगत एंड लता। नेक्स्ट, नेहाज ग्रैंड पेरेंट्स, नेहा के ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? वैसे नेहा के पेरेंट्स है जगत और लता, और यश के भी पेरेंट्स कौन है? यश के भी पेरेंट्स है जगत एंड लता। तो इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, नेहा और यश के ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए,
सुशील एंड शोभा, ठीक है, तो ये लिखना है। फिर क्या पूछा गया है, यश के पेरेंट्स कौन है, वो तो मैंने बता ही दिए कि नेहा और यश ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो ये इनके पेरेंट्स कौन है, जगत और लता। यश के सिस्टर कौन है, यश के सिस्टर कौन है, बोलिए यश के सिस्टर कौन है, नेहा, ओके, और नेहा के ब्रदर कौन है, यश, ओके, नेहा के ब्रदर है यश। सो चिल्ड्रेन नाउ फिल द रिमेनिंग बॉक्सेस, ओके, फिल द ब्लैंक्स, सो कंप्लीट दिस पेजेस एंड डू द गिवन एक्टिविटी इन योर स्क्रैप बुक, मेक द फैमिली ट्री, मेक द फैमिली ट्री इन स्क्रैप बुक, ओके, थैंक यू।